Auzubillahiminashaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear students once again i welcome you all in my today's lecture and our today's topic is gender or we can say gender of nouns so my dear students our to today's topic is gender of nouns so what is uh, uh, gender of nouns let's see वाट इज जेंडर फर्स्ट ऑफ आल लेट्स वाट इज जेंडर व्हाट इज जेंडर जेंडर का मतलब होता है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जिन्स क्या बोलते हैं जिसको हम उर्दू में जिन्स के नाम से जानते हैं तो जिनस क्या होता है मतलब मेल्स और फीमेल्स मेल्स और फीमेल्स यानी कि हमारे पास जो नाउन हैं क्या ये मेल है क्या ये फीमेल है सो इन इंग्लिश द फोर जेंडर्स ऑफ नाउन आर जो इंग्लिश में चार जेंडर्स हैं वो कौन से हैं वो ये हैं शबाश बच्चों तो कौन से हैं वो नंबर वन इज़ मैस्कुलिन क्या है नंबर वन इज़ मैस्कुलिन नंबर टू इज़ थैमिन एंड नंबर थ्री इज़ कॉमन नंबर थ्री इज कॉमन एंड नंबर फोर इज़ न्यूटर कौन कौन से हैं शबाश मैस्कुलिन नंबर टू फेमिन नंबर थ्री कॉमन एंड नंबर फोर इज न्यूटर सबसे पहले हम देखेंगे मैस्कुलिन क्या होता है कौन सा देखेंगे पहले मैस्कुलिन हम किसको बोलते किस जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं शाबाश तो माय डेयर स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है इसको पहले हम आगे देखेंगे मैस्कुलिन नाउनस आर वर्ड्स यूजड फॉर मैन बॉयज एंड मेल एनिमल्स यानी कि जो मैस्कुलिन नाउनस होते हैं वो हम किन ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किन के लिए इस्तेमाल करते हैं शबाश फॉर मैन यानि कि आदमियों के लिए बॉयज़ लड़कों के लिए और और इसके साथ मेल एनिमल्स के लिए मेल एनिमल मीनस जो नर जानवर होते हैं ओके okay, स्टूडेंट आपको समझ आ गया ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जिस जिसको हम नर के नाम से जानते हैं इसमें क्या क्या आता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैन आदमी हो गया फादर बाप सन यानी कि बेटा ब्रदर भाई ग्रैंड फादर जिसको हम दादा के नाम से जानते हैं और उसी के साथ है शबाश क्या है डॉग हारस एटसट्रा डॉग भी जो है ये कौन सा जानवर है नार जानवर है तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं मैस्किलिन जेंडर में तो उसके साथ हारस भी है एट्सट्रा एट्सट्रा ठीक है डेयर स्टूडेंट्स आ गए आपको समझ यहाँ तक तो उसके पास उसके बाद हमारा दूसरा क्या था फेमिनिन जेंडर फेमिनिन जेंडर फेमिनिन जेंडर क्या होता है शबाश हेमिनन नाउनस आर वर्ड्स शबाश हेमिनन नाउनस आर वर्ड्स यूजड फार वुमेन गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स यानी कि जो फैमिनन जेंडर होता है जो फैमिनन जेंडर होता है ये क्या होते हैं ये भी नाउनस होते हैं इसमें भी नाउनस होते हैं लेकिन कौन से नाउनस होते हैं वो नाउनस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किन के लिए फार वन और गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर फीमेल एनिमल्स यानी कि जो मादा जानवर होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम्पल हम इसको कैसे लेंगे शाबाश। एग्ज़ाम्पल में हम इसकी इसी तरह से लेंगे वहाँ पे क्या हमने लिखा था मैन यहाँ पे क्या बन जाएगा वो शाबाश। वहाँ पे हमने लिखा था फादर तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें मदर इसी तरह वहाँ पे हमने सन लिखा था जिस हम मैस्कुलिन जेंडर में हमने सन लिखा था तो फेमिनिन जेंडर में आएगा डॉक्टर इसकी जगह तो यहाँ पे हमने लिखा था ब्रदर तो यहाँ पे आएगा सिस्टर शाबाश इसी तरह हमने लिखा था ग्रैंड फादर तो इसकी जगह यहाँ पे आएगी आएगा कौन सा वर्ड शाबाश ग्रैंड मदर तो इसी तरह हमने लिखा था डॉग यानी कि ये कौन सा जन ये कौन सा जिन्स था ये कौन सा जेंडर था ये मैस्कुलिन जेंडर था, था तो इस जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या आएगा बिच इसी तरह मेयर यहाँ पे कौन से जेंडर है ये फेमिन जेंडर से ताल्लुक़ रखता है ये वर्ड शाबाश ये नाउन किस जेंडर से, से ताल्लुक रखता है फेमिनियन जेंडर से ताल्लुक़ रखता है मेयर यानी गोड़ी जिसको हम बोलते हैं तो इसका जो मेस्कुलन आएगा जेंडर वो हार्स बन जाता है आई बात आपको डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ तो उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर क्या होता है इसको अब हम देखते हैं शाबाश कॉमन जेंडर यानी कि इसमें आम से के नाम से जिसको हम जानते हैं कॉमन जेंडर्स आर नाउनस विच आर यूज बोथ फॉर मैस्कुलिन नाउनस एंड फेमेन फेमिन नाउनस यानी कि कॉमन जेंडर्स जो होते हैं ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं कॉमन जेंडर्स जो होते हैं वो नाउनस हम कॉमन जेंडर क्या होते हैं कॉमन जेंडर्स आर नाउन ये भी क्या होते हैं नाम्स होते हैं ये भी नेम्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बोथ फॉर मेस्कुलन एज वेल एज फॉर फेमिनिन नाम्स यानी कि इनको हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं मेस्कुल के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ये दोनों जनसू के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं तो एग्जाम्पल में हम इसको कैसे देख सकते हैं शाबाश यहाँ पे आप देख सकते हैं डेयर स्टूडेंट्स जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा पेरेंट्स पेरेंट्स में क्या आ गए हमारा माँ भी आती हमारा बाप भी आता है हमारी माँ भी आती है इस तरह कैटल कैटल हम बोलते हैं जब आ, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटेंस द कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि जो कैटल हैं वो खा रहे घास खा रहे हैं कहाँ पे एक मैदान में घास खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस कैटल में क्या क्या आएगा कैटल में इसमें मेल्स भी हो होंगे इसमें फीमेल जानवर भी जा, फीमेल जो जानवर हैं वो भी होंगे यानी कि इसमें नार भी होंगे इसमें मादा भी होंगे इस तरह बेबी बेबी यानी कि जो बच्चा होता है बच्चा या हम किसको बोलते हैं बेबी बेबी मीन जो बच्चा होता है तो हम आमतौर से छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं बेबी इसी तरह या बच्ची या बच्चा होता है या बच्ची जिसको हम बोलते हैं यानी कि दोनों के लिए इस्तेमाल बेबी जो नावन है ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है इसी तरह टीचर टीचर जिसको हम शाबाश क्या बोलते हैं टीचर ये तो मेल भी हो सकता है ये फीमेल भी हो सकती है यानी कि टीचर आपको यहाँ पे सर जिसको हम बोलेंगे सर भी होता है और मैडम भी होती है और इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्रिंसिपल क्या लिखा है प्रिंसिपल कोई भी प्रिंसिपल हमारे हमारा कोई भी हो सकता है वो, तो वो तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है चिल्ड्रन बच्चा जिसको हम बच्चे जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन किसको बोलते हैं बच्चों को शबाज बच्चे कोई भी बच्चा चाहे वो मेल से मेल कैटेगरी से हो या फीमेल कैटेगरी से हो इस तरह कैट्स बीज एटसेट्रा तो ये क्या हो गए डेयर स्टूडेंट्स इनको हम कामन जेंडर के नाम से जानते हैं यानी कि कामन जेंडर क्या होते हैं इसमें दोनों नाउन्स आते जाते हैं शाबाश कौन कौन से इसमें मेस्कुलिन भी आते हैं और फैमिलिन नाउन्स भी आते हैं तो डेयर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है न्यूट्र जेंडर न्यूट्र जेंडर किसको हम बोलते हैं न्यूट्र इसका मतलब ये होता है न मुजक्र न यानी कि ये ना मुजकर होता है न मोनस होता है शबाश यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स लाइफ लेस थिंग थिंग इज कॉल्ड ए जेंडर यानी कि वो नावन वो इसम वो नाम जो डिनोट करता है लाइफ लेस थिंग को यानी कि जिसमें जान नहीं होती है जो बेजान जान चीज होती है जिसका जो नाम उसका होता है उसको हम जेंडर बोलते हैं आई बात समझ आपको डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे न्यूट्र मीनस मैंने लिखा है निदर मेल नॉर फीमेल न्यूट्र का मतलब क्या होता है न मुजकर और ना मोनस ये ना मुजकर होते हैं न मोनस होते हैं एग्ज़ाम्पल में इसको देखते हैं शहबाज डियर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है पेन हमारे पास ये पेन है जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये इसको हम न मुजकर बोल सकते हैं और ना हम इसको मोनस बोल सकते हैं इसी तरह बुक इसको भी हम ना मुज़ाकर बोल सकते हैं ना मोनज बोल सकते क्योंकि ये कौन से शबाश थिंग्स है डेड थिंग्स यानी कि लाइफलेस थिंग्स ये बेजान चीज़ें हैं इस तरह चेयर है चॉक है रोड है स्टोन है एट्सट्रा एसट्रा यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लाइफलेस हैं जो बेजान चीज़ें हैं इन नाम को बेजान नामों को यानी कि वो बेजान इसम इसमों को यानी कि वो जो नामज होते हैं जिनमें uh, जान नहीं होती है वो नाउनस जिनमें जान नहीं होती है उनको हम क्या शाबाश क्या शाव बोलते हैं उनको बेजान जनसू के नाम यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं न्यूट्र जेंडर्स मीनस बे, बेजान जिनसों के नाम यानी कि बेजान जो चीज़ें होती हैं उनके नामज़ जो होते हैं उनको हम न्यूट्र जेंडर बोलते हैं तो डेयर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा तो इस टॉपिक के रिलेटेड अब मैं आपको यहाँ पे होम असाइनमेंट पेश कर रहा हूँ तो इसमें आपको क्या करना होगा शबाश आप अपनी बुक यहाँ पे देख रहे हैं आपके बुक पे जो डी पार्ट यहाँ पे मैंने शबाश डी पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है डी पार्ट यहाँ पे जेंडर तो इसमें आपको क्या करना है ये क्या बोल रहे हैं अंडरलाइन द नाउनस इन दी सेंटेंसेस इन सेंटेंस में शबाश इन सेंटेंस में आपको क्या करना है जो नाउनस है यहाँ पे दिए गए हैं कितने सेंटेंस हैं एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेयर आर सिक्स सेंटेंसेस तो जो सिक्स सेंटेंस हैं इनमें आपको क्या करना है जो नाउनस हैं उनको क्या करना है आपको अंडरलाइन करना है और साथ में आपको लिखना है यहाँ पे डैश जो जगह यहाँ पे दी गई है इसमें आपको एम किसके लिए इस्तेमाल करना है एम आपको लिखना है जो जेंडर होगा और निशाबाश एफ आपको लिखना है किसके लिए फेमिनिन जेंडर के लिए और इसके साथ आपको लिखना है सी कॉमन जेंडर के लिए और एन आपको लिखना है किसके लिए न्यूट्रल जेंडर के लिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो ये आपका हो गया होम असाइनमेंट्स इसको आप करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करोगे ओके डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़